गुड मॉर्निंग दोस्तों, करेरी लेक आज डे टू है। कल जैसे कि आपको पता है कि बारिश और आंधी और तूफान की वजह से हम अपनी जर्नी कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। इस वजह से हमें लोकल लोगों ने कहा कि आप आज ऊपर मत जाइए, ऊपर स्नोफॉल है, ब्रीदिंग तक का इशू हो रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हमने रात यहाँ इस जगह पर गुजारी। आज सुबह इस वक्त 7:30 बजे का टाइम है। इस ब्यूटीफुल वैली में कल हम 2 बजे से लेकर यहाँ पर रुके हुए थे, बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। रात तक बारिश होती रही, लेकिन जब सुबह हम 5 बजे सो करके उठे तो आसमान में चमकते हुए सितारों ने हमें बता दिया कि आज का दिन अच्छा है, आज मौसम खराब नहीं है, आज हमें चलना चाहिए। तो अब हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। आज है करेरी लेक, हम करेंगे 6 किलोमीटर पूरा, वहाँ रुकेंगे और आज ही करेंगे वापसी, क्योंकि कल मंडे है, मंडे से वर्किंग शुरू है। करेरी लेक भरा पड़ा है बहुत सारे खूबसूरत नज़ारों से, इसलिए ये बनता है अ मस्ट टू डू ट्रैक ऑफ 2021। देखिए मैं कहाँ पर हूँ और क्यों इतनी तारीफ कर रहा हूँ। बहुत सारी वीडियो में आपने जिस पुल को देखा है, अब हम उसी पुल को क्रॉस करने वाले हैं। यहाँ तक का डिस्टेंस करीब करीब 5 किलोमीटर का है, 5 और हमें जाना है। तो चलिए चलते हैं आगे। इस पुल को क्रॉस करने के बाद सीधे आपको जाना है। तो दोस्तों करीब करीब आधा किलोमीटर और आगे निकल आने के बाद पहुंचा हूं इस खूबसूरत सी जगह पर। एक और ब्यूटीफुल सा नज़ारा है आपके सामने, ज़रा देखिएगा किस तरह से दिखती है ये जगह। खूबसूरत सी जगह आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। ये सारा पानी बह कर के आता है करेरी लेक से और जाता है नीचे करेरी विलेज के पास से होता हुआ। ये है एक शॉप जो यहाँ के लोकल गद्दी चलाते हैं। इस वक्त नहीं कोई आया क्योंकि हर रोज़ रात को ये घर चले जाएंगे, सुबह वापस आते हैं। 10 या 10:30 बजे शॉप्स ओपन होती हैं। और ये है शॉप के बाहर के खूबसूरत नज़ारे। और इमरजेंसी की कंडीशन में ऑलमोस्ट ज़्यादातर शॉप के पास आपको इस तरह का ओपन स्पेस मिल जाता है। अगर आप अपना टेंट कैरी कर रहे हैं तो यहाँ टेंट लगाइए और रुक जाइए, बस इतना सा। ये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं टेंट लगाने का। ये है ट्रैक, हम यहाँ से होते हुए उस खड के आसपास कहीं से निकल के आगे पहुँचेंगे। एक रिकमेंडेशन मैं आपको देना चाहूँगा, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके अगर आप ट्रैक करते हैं रेगुलर तो वॉकिंग स्टिक पे इन्वेस्ट करिएगा। यह आपकी एनर्जी को ऑलमोस्ट 30-40% सेव करती है और वॉकिंग स्टिक के साथ चलना वाकई आसान होता है। ओके, सो कितना खूबसूरत नज़ारा है सामने की तरफ, सब कुछ अच्छा। प्लेन एक जगह है, बड़े पत्थर, बहता हुआ पानी और वो बर्फ़ के पैचेस। लगता है ये बर्फ़ रिसेंटली गिरी है। ऊंचे
पहाड़ों पर आप ये घुमावदार सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जाते हैं उस पहाड़ की चोटी पर, और इसी तरह का है करेरी लेक का ट्रैक। धीरे धीरे चलते हुए हम पहुँचने लगे हैं स्नो वाले एरिया में। सामने आप देख सकते हैं कुछ स्नो पैचेज हैं जो अभी तक नज़र आ रहे हैं, और ये है ट्रैक हमारा करेरी लेक के लिए। इन सीढ़ियों को चढ़ते जाइए पत्थरों के बीच में से, और आप पहुंच जाएंगे लेक तक। जैसे जैसे आप प्लेन को और लो हाइट हिल्स को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, नज़ारों की खूबसूरती भी बढ़ती जाती है। What a magnificent view is here with blue sky, green hills, that small building over there, that's a small temple, and बहता हुआ पानी। हर एक नज़ारा खुद में खूबसूरती को समेटे हुए है, और ये है वो खूबसूरत सा रास्ता जो हमें ले जा रहा है अपनी मंजिल की तरफ। अभी जो टेरेन आप देख रहे हैं ये रॉकी है, यहाँ बहुत सारे आपको पत्थर चट्टाने देखने को मिलेंगी, और इस वक्त हम धूप के इलाके में पहुँच चुके हैं तो ठंड लगने वाला सिचुएशन ख़त्म, वेदर ऑलमोस्ट प्लेजेंट है। और ये है वो करेरी लेक से होकर आता हुआ करेरी खड्ड। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। तो मिक्स टेरेन है यहाँ के बाद से, 4 किलोमीटर और जाना है, 2 किलोमीटर हम आ चुके हैं। रास्ते से होते हुए हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। ये प्लेन जैसा लगता है। हमने 7:30 बजे शुरू किया था और अब बजे हैं 8:45 या 9:05 हैं, तो 9:05 का मतलब करीब 2.5 घंटे में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। 2.5 घंटे 2 किलोमीटर ये है हमारी स्पीड अभी तक की। तो भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। अब हम स्नो के एरिया में पहुंचने लगे हैं। आपको लेफ्ट साइड ट्रैक के 2 स्नो पैच नज़र आ रहे होंगे, और ये हैं वो लोग जो सीढ़ियां चढ़कर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे का रास्ता। ये सीढ़ियां हैं जो आगे की तरफ लेकर चलेंगी आपको। तो आपको पहाड़ पर बर्फ के कुछ पैचेस नजर आने शुरू हो गए होंगे। सामने वाले पहाड़ पे देखिए किस तरह से बर्फ गिरी है, और ये वो जगह है जहाँ इस वक्त हम लोग हैं, और ये बर्फ के टुकड़े आपको नजर आ रहे होंगे। जगह खूबसूरत है, नज़ारे खूबसूरत हैं, और रास्ता तो कहना ही क्या। करेरी लेक आ रहे हैं तो सिर्फ लेक के लिए आना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि ये ट्रैक खुद में इतना खूबसूरत है, हर एक जगह आपका दिल चाहेगा कि आप रुकें, थोड़ा वक्त बैठें और इन खूबसूरत नज़ारों को इंजॉय करें। काफ़ी नज़दीक हम पहुंच चुके हैं करेरी लेक के। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है नज़ारे खूबसूरत होते जाते हैं। ये है वो ट्रैक जो लेकर के जा रहा है हमें। ये एक शॉप है, यहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं, और
ये जो दो पहाड़ है, एक ये वाला और एक ये वाला पहाड़, इन दोनों पहाड़ के बीच में से इन पत्थरों के यहाँ से एक रास्ता होकर के आगे जाएगा। बर्फीली हवा है, स्किन एकदम, स्किन जो आप देख रहे हैं एकदम रेड हो गई है, नम है। अब हवा के थपेड़ों का इस पर पता नहीं चलता। बहुत ठंडा है क्योंकि मेरे आसपास बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। आप मेरे पीछे पहाड़ को देखिएगा। तो सोचा था कि यहाँ कुछ खाएंगे लेकिन ये शॉप भी बंद है, तो लगता है कोई भी शॉप यहाँ 10:30 के पहले नहीं खुलती। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोच रहा हूँ कॉफ़ी बना के पी जाए, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। गैस को ऑन करिए और ये रहा लाइटर। ओके, और स्टार्ट हो गया। तो बस रख दीजिए कॉफ़ी बनने के लिए। ओके, तो कॉफ़ी हो चुकी है रेडी। गैस कर देते हैं बंद। कप हमारे पास लिमिटेड है, वाटर बोकाटा गुड है इसमें से। तो जुगाड़ हो गया है, शुरू। कॉफ़ी हो गई है रेडी और ये है ब्लैक कॉफ़ी एंड बिग मग। अमित भाई की कृपा से इस शानदार नज़ारों को एंजॉय करते हुए ब्लैक कॉफ़ी पीते हुए। जियो अमित भाई, जियो 100 साल जियो। ठंडी ठंडी हवा में गरम गरम कॉफी एकदम। तुम कितना फील कर रहे हो कॉफी पी?